दोस्तों आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े मस्जिदों के बारे में बताएंगे। इन मस्जिद में एक बार में कई लाखों मुसलमान एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों इस मस्जिद को बनाने में कई हजार करोड़ों रुपयों का खर्च किया गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इन सभी मस्जिदों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा चुका है। मस्जिद मुसलमानों के लिए खुदा की इबादत करने की जगह होती है। यूं तो इबादत करने के लिए कोई जगह छोटी या बड़ी नहीं होती, लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बड़े पांच मस्जिदों के बारे में बताएंगे। नंबर वन, मस्जिद अल हराम। दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े मस्जिदों में इस मस्जिद का नाम पहले नंबर पे आता है। ये मस्जिद सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। दोस्तों इस मस्जिद को 622 ईस्वी में बनाया गया है। इस मस्जिद को बनाने में सबसे कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। 4,800 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई इस मस्जिद में हर साल 60 लाख से ज्यादा लोग हाज और हुमार करने आते हैं। इसी मस्जिद में खाना काबा है। आपको बता दें, मस्जिद अल हरम में इस्तेमाल किए जाने वाला साउंड सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन साउंड सिस्टम है। मक्का शहर में मौजूद मस्जिद अल हरम दुनिया की सबसे कीमती इमारत है। इसे बनाने में 100 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्चा लगा था। और यही नहीं, इसी मस्जिद में जमजम का कुआं भी मौजूद है। यह कुआं लगभग 400 साल पुराना है। इस कुआं का पानी दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है। मस्जिद अल हरम में गैर मुसलमानों का जाना मना है। मस्जिद अल हरम की मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है। दोस्तों उस पर लगी हुई घड़ी को बनाने में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है। इस घड़ी को लगभग 30 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। नंबर टू, मस्जिद नबवी। दोस्तों मस्जिद सऊदी अरब के मदीना शहर में मौजूद है। इस मस्जिद का शुरुआती दौर में आकार बहुत छोटा था, लेकिन अब यह मस्जिद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। 3,84,000 मीटर स्क्वायर में फैली इस मस्जिद में लगभग 15 लाख से भी ज्यादा मुसलमान एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। दोस्तों पूरे अरब में जो पहली जगह बिजली से रोशनी की गई थी वो मस्जिद नबवी है। आपको बता दें, इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। नंबर थ्री, समाम रिजा सरीन। दोस्तों इस मस्जिद को मस्जिद अली भी कहा जाता है, जो ईरान के मशहब शहर में मौजूद है। यह मस्जिद 2,66,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस मस्जिद में एक बार में 8 लाख से भी ज्यादा मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद अली इतनी बड़ी है कि इस मस्जिद में एक लाइब्रेरी और एक म्यूजियम मौजूद है। इस मस्जिद में 4 सेमिनार भी मौजूद है। इस मस्जिद में हर साल लाखों मुसलमान आते हैं। नंबर फोर, इस्तिकलाल मॉस्क। दोस्तों यह मस्जिद इंडोनेशिया के जयकार्ता शहर में मौजूद है। इस मस्जिद की तामीर 22 फरवरी 1978 को की गई थी। इंडोनेशिया की यह राष्ट्र मस्जिद है। इस मस्जिद को इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की याद में बनाया गया था और इस्तिकलाल का नाम दिया गया था, जो स्वतंत्रता के लिए एक अरबी शब्द है। इस मस्जिद को बनाने में 12 मिलियन डॉलर का खर्च किया गया था। इस मस्जिद में एक साथ 2 लाख से भी ज्यादा मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। नंबर फाइव, मस्जिद हसन। दोस्तों मोरक्को के शहर कासाब्लांका में मौजूद इस मस्जिद की मीनार दुनिया की सबसे ऊंची मीनारों में शामिल है। इस मस्जिद का आधा हिस्सा समुद्र की जमीन पर है और आधा हिस्सा अंटार्कटिका के महासागर पर है। मस्जिद हसन का एक हिस्सा कांच का है, जहां से समुद्र का पानी भी दिखाई देता है। इस मस्जिद को बनाने में लगभग 35,000 मजदूरों ने 7 साल तक काम किया था। इस मस्जिद को बनाने में 660 मिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। मस्जिद हसन में एक बार में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के मीनार के ऊपर लगी लेजर लाइटों को 30 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो।